ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत परेशानी है और मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है। क्यों ना एक दिन के लिए तुम पप्पू बन जाओ और मैं नंदू बन जाऊँ। मोहल्ले वाले तुम्हें देख के हंसते तो हैं, लेकिन मैं झेल लूंगा। और मोहल्ले वाले तुझे देखकर पीटते हैं, वो मैं कैसे झेलूंगा बे? भाई तुम डर गए क्या? जा बे, ग्रेट राइटर नमन वर्मा किसी से नहीं डरता। तो भाई हो जाए लाइफ एक्सचेंज, हो जाए। पप्पू तूने पर्दे नहीं बदले? चल बे निकल यहाँ से। ये गलत बात है यार पप्पू, मुझसे सारे काम करवा लिए और खुद यहाँ पर आराम फरमा रहा है। चंदू का फोन फिर से पर्दों के बारे में पूछेगी। एक सेकंड, लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? मैं तो आज पप्पू हूँ और चंदू को तो नंदू से बात करनी है। ए नंदू, ले बे चंदू का फोन है, बात कर। अबे बीवी तुम्हारी है तो मैं क्यों बात करूँ? अबे लेकिन आज तो मैं पप्पू हूँ ना, चंदू ने नंदू से बात करने के लिए कॉल किया है। ले। हाँ यार। हेलो, नमन वर्मा स्पीकिंग। इतनी देर क्यों लगाई फोन उठाने में? है? फोन तो कब से उठाया हुआ है। एक मिनट, पप्पू बोल रहा है? अरे भाभी मैं नंदू ही बोल रहा हूँ, वो भी अपने फोन से। भाभी? मेरा कहने का मतलब है बीवी, बीवी। लेकिन तुम्हारी आवाज पप्पू जैसी घटिया क्यों लग रही है? वो चंदू, मैंने आज सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया था ना, उसकी वजह से मेरी आवाज चेंज हो गई। अच्छा सुनो, तुमने वो पर्दे चेंज कर दिए? हाँ, पर्दे चेंज करने की जरूरत क्या है चंदू, अच्छे तो लग रहे हैं ये भी पर्दे। चुप करो। कितनी बार का है, अपना दिमाग मत लगाया करो। अगर तुमने मेरी चॉइस वाले कलरफुल कर्टेन्स नहीं लगाए ना, तो मैं वो व्हाइट कर्टेन ना तुम्हारे ऊपर बिछा दूंगी, समझे? अबे चुप कर यार। क्या है बे? मैं तो नमन वर्मा जी के लिए आया। अच्छा, अगर कुछ लेना है तो नमन वर्मा अंदर है, और अगर कुछ देना है तो मैं हूँ नमन वर्मा। जी मुझे कुछ देना है। मुझे दीजिए, मैं हूँ नमन वर्मा। पर अभी तो, और ये मेरा छोटा भाई है पप्पू। देखिए मैं अध्यात्म चैनल से आया। एक सेकंड जी। अबे पप्पू, ये चैनल के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो वो पेमेंट मेरी है, समझा ना? इसका मतलब आज मेरी कमाई हो जाएगी। जल्दी दीजिए, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। लीजिए। इतना बड़ा पेमेंट लाखों में है क्या? आप खुद देख लीजिए। सत्यानाश। ये किस देश के नोट है भाई साहब? ये नोट नहीं है, आपकी भेजी हुई स्क्रिप्ट, जिसे प्रोड्यूसर साहब ने अपने सुबातों से फाड़ दिया। प्रोड्यूसर साहब को आज ये स्क्रिप्ट शूट करनी है। उन्होंने कहा है आप अपने आंखों के सामने बिठा के स्क्रिप्ट लिखवा के ले आओ, वरना आपका भी यही हाल करेंगे। खराब तो तेरी जिंदगी होगी पप्पू, क्योंकि मैं हूँ कोबरा। जाने बनी तुम्हारे माँ बाप ने कैसा नाम रखा है तुम्हारा, कोबरा। ओए मैं पठान हूँ, पठान। अबे छुआरे तू आदमी है? अबे मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, यहाँ पर फोन मत करना वरना लात मारूंगा। कैसे कैसे लोग फोन करते पप्पू को यार? हमें कोबरा भाई ने भेजा है, पप्पू का बिगाड़ने थोबड़ा। क्या पप्पू, सच सच बता पप्पू कौन है? पप्पू ऊपर है, ऊपर कमरे में। चलो। सॉरी भाई, लेकिन आज तुम्हें पता लगेगा कि पप्पू बनना कितनी तकलीफ का काम है। पप्पू बनकर बहुत मार खाया यार। और भाई नंदू बनकर जो मेरी हालत हुई है वो नहीं दिख रही तुमको? अबे चुप कर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तेरी लाइफ ज्यादा खराब है या तेरी करतूतें ज्यादा खराब है? मारा चौकटा। अब नंदू हादसे कैसे हुआ? रू बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, वरना अच्छा नहीं होगा नंदू। अच्छा तो ये सारी पप्पू की करतूतें हैं, इसके बोलने पर मैंने एक दिन के लिए ना पप्पू बन गया नंदू से, और बाद में पप्पू को जैसे लोग पीटने आते हैं वैसे लोग आके मुझे पीट दिया।
चेंज करने के लिए बोले थे, तो ये व्हाइट कर्टेंस क्यों लगे हुए अभी तक? वो भाभी, वो मम्मी जी ने पर्दे बदलने के लिए कहा था और तूने बदल दिए। हाँ, आधे घंटे में अगर तूने कर्टेन वापस चेंज नहीं किया ना, तो मैं तेरा थोपड़ा बदल दूंगी। अबे यार नंदू, क्या तेल लेना, मुझे भी बनना नंदू यार, तुम ही बनो। मैं तो पप्पू ही ठीक हूँ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ